हज़रत ने सैयदा से पूछा, फातिमा तुम्हारी शादी अली से कर रहा हूँ, मेहर क्या लोगी? अल्लाह पूछ रहा है मेहर क्या लोगी? तो बीबी ने फरमाया बाबा की उम्मत की निजात। उम्मत मुस्तफा को जन्नत में देखना चाहती है। कितना एहसान है उनका, फरमाया उम्मत मुस्तफा को जन्नत में देखना चाहती है। महर का तायुन तो बड़े करते हैं मगर देता कौन है? शोहर महर का तायुन बड़े करते हैं, बड़े बैठ के कहते हैं महर कितना होगा, लड़की का बड़ा लड़के का बड़ा आपस में तय करते हैं महर ये होगा, मगर देता तो लड़का है, देना तो लड़के को है ना। ये गलत फहमी भी नए शादी शुदा जोड़े अपने जहन से निकाले, पुराने वालों को पुरानी वालियाँ माफ करें कि महर तो देना थोड़ी होता है। एक साहब कहने लगे अल्लाह ना करे जब मैं महर को तलाक थोड़ी होनी है, तलाक से तो महर का कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई, लड़ने से महर का ताल्लुक नहीं है, प्यार से महर का ताल्लुक। जब मूड बहुत अच्छा हो ना तब महर देना, ये लड़ाई हो रही है तो महर मांग रही है और लड़ाई हो रही है तो महर दे रही है, अच्छी अच्छी बातें नहीं है, महर वाजिब है देना। एक साहब कहने लगे मर्द हजरात बीवियों से डरते क्यों है? तो मैंने कहा जी मकरूज है, मेहर ही नहीं दिया अभी तक इन्होंने, और बड़े बड़े पैसे वाले 5-5 हज़ार की माफिया मांग रहे होते हैं। पुराने लोगों का तो बहुत छोटा मेहर था, 2-4-5 हज़ार में जान छुट गई, वो 5 हज़ार का मेहर रखवाया अब से मिसाल 50 साल पहले 30 साल पहले, और वो भी बीवी से कहते हैं माफ कर दो। अच्छा उन्हें भी मजा आता है, नहीं लूंगी ये माफी मांगते रहे, अभी नहीं बात वो जो बाद में वो जो हुकूमत है ना 5,000 रुपए के ऊपर वो 5 करोड़ से ज्यादा की है, तो ये बेगी बेगमात का भी मिजाज है। तो लाम यानी मिलती है तमली, मैं बाबा की उम्मत को जन्नत में देखना चाहती हूँ। तो मेहर कौन देता है? चोर कौन बख्शवाएगा? बख्शिश अली से चाहिए और अली है चौथे नंबर पर। क्या एक जैसा महर नहीं होता? मैंने कहा अक्सर पढ़ा रहा होता हूँ करबला की ज़ियारत, ईरान की ज़ियारत, 5,000 मरतबा दुरूद, इतने जानवर सदका, हर महीने 5,000 यतीमों की परवरिश। मैंने एक मैं ऐसा भी निकाह पढ़ाया, उस खातून ने 5 महर रखवाया मैंने, यानी करबला की ज़ियारत, 5,000 पे दुरूद। मेरा शौहर 5,000 दफा दुरूद पहले पढ़े फिर मेरे करीब आए। ऐसी भी औरतें होती हैं। और फिर उसमें लेख में उसी में उसने लिखा कि मुझे याद है 11-15 या 5 घरों की महाना यतीमों और बेवाओं के राशन का पैसा राशन डलवाएंगे, 5 घरों में महाना राशन डलवाएंगे, वो इस तरह के महर रखवाए। तो एक का कई कई महर हो सकते हैं, ज्यादा की तो कोई हद नहीं है ना, कम से कम के लिए कहा है कि 1 घंटा होगा गया, कि कम से कम महर है वो हो गया जिसकी कोई कीमत हो। तो फिर मासूम से पूछा गया, तो उस वक्त मासूम ने फरमाया मसलन एक मुर्गी का 1 घंटा, अगर वो कहती है जी 1 घंटा बस मेरा महर है तो वो भी सही है, लेकिन कुछ भी महर नहीं,
कुछ भी मेहर शर्म चाहिए, कुछ होना चाहिए, कम से कम एक घंटा, ज्यादा से ज्यादा भाई उसकी उम्र मर्जी। अब अल्लाह ने पूछा कि क्या चाहती हो, फरमाया बाबा की उम्मत की निजात। तो सैयदा जितनी बड़ी बेटी होगी ना मेहर ज्यादा होगा। सलवा पढ़े सैयदा के नाम, जिस माना में मैंने बड़ी बेटी कहा है। पैसे वालों की बेटी बड़ी नहीं होती, किरदार वालों की बेटी बड़ी होती है। इनसे बड़ा कौन है कायनात में? तो सबसे बड़ी बेटी है खातून कायनात। खातून कयामत तो बीबी का लकब है, खातून कायनात। कायनात में से ऊंची बेटी नहीं है, कायनात में से ऊंची खातून नहीं है, इनसे ऊंचा वजूद ही औरतों में किसी का। कायनात की सबसे बड़ी खातून, उनका मेहर कहा बाबा की उम्मत की बख्शिश। बख्शिश कौन करवाएगा? अली। ताज्जुब यह है जन्नत अली से चाहिए। और दुनिया अली से नहीं चाहिए, हुकूमत अली से।